मुतरम नाज्रिनसाम आप मुलाज़ा कर रहे हैं प्रोग्राम अहवाल हसब मामूल में आपका हौसद क़ुशी आपके साथ इस प्रोग्राम में हाज़िर हूँ प्रोग्राम का फॉर्मेट आपको मालूम है कि दरुद सलाम के साथ प्रोग्राम शुरू होता है आइए चलते हैं कुरान मजीद फ़ुराने हमीद की तरफ़ जिसमें अल्लाह रबुलाजा सोर अज़ाब की आयत नंबर फिफ्टी में हमें बता रहे हैं औरज़बिल्लमिन शैतवन इन अल्लाई क़़ासलूनआनबी

सलाम पढ़ता रहे और अपने रब से हमेशा मुआफ़ी मांगता रहे वही लोग अल्लाह को बहुत ज़्यादा पसंद हैं जो हमेशा मुआफ़ी के कलम अपनी ज़ुबान पर रखते हैं दिलो जान से अपने रब से न करदा और ना करदा ख़ताओं की माफ़ी मांगते रहते हैं आइए सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक वो कलमात कहते हैं जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें सिखाए हैं कि तुम माफ़ी के लिए कहाँ जाओ फरमाया अवलनाम इज़्लामू अनफ़सहम जाओ का फस्तफ़र वस्तफ़र रसूल लवाजा तवाबर रहीमा इसकी तइद में अब हम चलते हैं दरबार रसालतमा आप और वहाँ हाज़िर होकर हिस्सन और मानन और रूहन और क़लबन जो जिस कैफ़ियत में पहुंचना चाहे ये हर एक की अपनी कैफ़ियत है वहाँ जाके अब अल्लाह से माफ़ी मांग रहे हैं माफ़ी देने वाली ज़ात सिर्फ़ अल्लाह की है उसी से माफ़ी मांगनी चाहिए हाँ वसीला और वास्ता और जो तरीक़ा है वो अल्लाह रबुल्ज़त ने मैं बता दिया जाऊ का ने समझाया ये राज ज़माने को बढ़ती है शफात की खैरत मदीने में तो आइए अस्तफ़िरम्जीला अल्हाम बात अमा काफुवन करीमन तो हब्ब्ब़वा फ़ाफोन्नामा काफोन करीम तो हब्बल फ़ाफोआआनी ये कलमात इस्तिगफार हैं जिन लोगों को अल्लाह इज़्ज़त तौफीक दे सुबह शहरी के वक्त उठने की व उमिन सैद आयशा रदी अल्लाह ती दुआ ज़रूर मांगा करें जो मैंने आखिर में पढ़ी अल्लाहुम्मा न काफ़ुआन करीम तो हब्बल अफवा फाफवा इसके बाद हम अल्लाह हब्ल की बारगाह में यहद करते हैं क्योंकि आपको मालूम है कि हिजरी साल का आगाज़ हो चुका है चौदह सौ बयालीस हिजरी और उसका यह पहला अशर है इस्लाम का आगाज़ और अनजाम दोनों जो है वह क़ुरबानी से लबरेज़ हैं और एल हक जो है वह तीन अशरों की तज़ीम किया करते थे अशर जिल हज यानी पहला जिल हज का फिर आशरा मुहरम पहले दस दिन महर्रम के और औररा रमजान रम़ानमबारक आखिरी दस दिन का जो अशरा है रमजान रम़ानलमबारक का इसकी जो है वह तज़ीम एल हक़ हमेशा करते आए हैं और ख़ुद अल्लाह रब्ज़त ने कुरान मजीद में सूर्य फ़जर में फ़रमाया उजबिल्लिमिनजीम बिसमीम वल्फ़र वलयालिन अशर वशफ़ वलब्र सदा क़लम फ़जर की कसम और दस रातों की कसम और जुफ्त की कसम और ताक की कसम तो लिहाजा ये हरमत वाला महीना है जिसमें अल्लाह रब्ज़त के हबीब सल्हसम ने रोज़ा रखने की तरगीब दी है किसी ने आके पूछा या रसूल सल्हुक वसलम मैं रोज़े रखना चाहता हूँ तो आक सामने फ़रमाया रमदान के बाद अल्लाह के महीने मुहरम में रोज़ा रखा करो और बाज़ों ने यह भी लिखा है कि एक दिन का रोज़ा एक महीने के बराबर कंसीडर किया जाता है और आशुरा मुहर्रम का रोज़ा जो है वो एक साल के गुनाहों को मिटा देता है और रसूल पाक ने यह भी फरमाया कि नौ और दस का रोज़ा रखो अगर कोई नौ दस का ना रख सके तो दस और ग्यारह का रोज़ा जो है रख ले यानी दस और ग्यारह मुहर्रम का तो कलमा तयबा इसलिए हम पढ़ते हैं कि यह एक तो हमारे ईमान की का इजहार है और हमारे दीन की सलामती का तरीक़ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में एक इक़रार हम करते हैं उससे अहद वफा करते हैं कि हम तेरे हैं और तेरे ही वफ़ादार रहेंगे और साथ हम इस ज़मानत के लिए भी इसे पढ़ते हैं कि आखिरी कलाम हमारा ज़िंदगी का कलमा तैयबा हो तो फिर कामयाबी है इसीलिए कहा गया शद्ला ला शरीक व अन्न मुहम्मदन अब्द व रसूलो ये तो था प्रोग्राम का फॉर्मेट अब आइए आज का जो जोान आप स्क्रीन पर गालबन देख रहे हैं तो उसमें मेंनवान में आपने जान लिया है कि सहाबा कराम और अहिल बैत निज़ाम का बाहमी ताल्लुक उनका सिलसिला क्या था तो उसके लिए मैं आपको लिए चलता हूँ पहले कुरान मजीद फ़ुर्न हमीद की तरफ़ सूर्फ़ात में चलते हैं उज़बीमिनशुआरजीम बसमिल्लर ए दिन असरातलमस्म सरातल नम गैरमकदूबल आमीन सदा कल्हज़ीम हम अल्लाह रब्ल से दुआ करते हैं कि हमें स़रात मस्तकीम पर चला स़रा मस्तीम दिखा और कुरानी मजीद ने हमें स़रा मस्तकम की रहनमाई कर दी है सूर फ़ात में कि इनाम याफ्तगान का रास्ता जो है वह सिरात मस्तकीम है अब जहन में सवाल उठता है कि इनाम याफ़्तगान कौन है तो फिर कुरान मजीद सूरा निसा की आयत जवाब देती है कि चार गरुह ऐसे हैं जिन पर अल्लाह का इनाम हुआ है अनमल्ला का नमल्ला व सद्दीन व शहदा व साल व हसन उलाय का रफ़ी का अल्लाह रबत ने बता दिया कि चार बंदे ऐसे हैं चार ग्रोह ऐसे हैं जिन पर इनाम हुआ अम्बिया यानी नबीन आदम से लेकर आका आकाम तक तमाम अम्बिया एक राम इनाम याफ़्तगान हैं इनके रास्ते पर चलना खैर सलामती हिदायत और इंसान की कामयाबी की जमानत है दूसरा बता दिया कि अम्बिया का सिलसिला अब ख़त्म हो गया रसूल सल्लाम आखिरी नबी हैं और आप ही की रिसालत नबूत का डंका क्यामत तक बजता रहेगा आप किसी भी सूरत में ना जिल्ली ना बरूज़ी ना किसी भी जहद से कोई नया नबी नहीं आ सकता हज़ूसम ख़ातबीन हैं कुरान मजीद की नस है माँ काना महम्मदनबा हदजालकम वलॉक रसूल व व ख़ातबी वक़ानल्लाबीन अलीमा कि महमद सल्ला मर्दों में किसी के बाप नहीं हैं अम्बिया के जो है वो ख़त्म करने वाले हैं अम्बिया के सिलसिला नबूत को का अख्ताम आप पर है और अल्लाह के रसूल हैं तो लिहाजा रसूल पाक सल्ला वसम के बाद फिर एक और चैनल खोला गया जिसको कहा गया सिद्दीकीन यानी सच्चे लोग जो हमेशा जिन्होंने सच्चाई की तस्दीक की और सच्चाई पर रहे पूरी ज़िंदगी उनकी ज़ाहिरन और बातरा सच्चाई पर रही और अल्लाह इज़्ज़त ने उनकी सच्चाई की जो है वो ज़मानत दी है और फिर फरमाया तीसरा तबका जो है वो शोहदा का है तो शोहदा ये वो हैं जो अल्लाह के रास्ते में अपनी जान का नजराना पेश करते हैं ख़ायन का जो शहादत का सबब है सर्री हो या जहरी हो दोनों तरीक़ों के लेकिन शर्त यह है कि कतील फ़ी सभी हो जैसे कुरान मजीद ने कहा बलामैतल फ़ी सभी अम्बाद कि उन्हें मुर्दा कहो जो अल्लाह के रास्ते में क़त्ल कर दिए जाएँ तो दूसरी जगह यह भी कहा गया वला सब लजीना क़ोलु फ़ी सभी अम्बाता उन्हें मुर्दा गुमान भी ना करो वह ज़िंदा हैं ये दो तरह के तबक़ात हो गए एक मैदान जंग में शहीद हुए दूसरे पूरी ज़िंदगी मुजहदा करते हुए और नफ़ से लड़ते हुए शैतान के हमलों से बचते हुए अपने आप को राह खुदाबंदी में इस्तकामत रखते हैं और इसी पर इनका ख़ात्मा बिल खैर होता है ये ओलिया कराम जितने भी हैं सारे शुहदा के दर्जे में आ जाते हैं फिर उसके बाद एक और दर्जा बयान किया जिनको सालहैन कहते हैं सालहन यानि नेकोकार जो ईमान लाने के बाद अज़ीन आमन व आमिर उस जैसे सूरत असर तो में फ़रमाया गया कि वलअरसानलफ़ी खसर अज़ीन आमन व आमिरलहत तो के बेशक हर इंसान घाटे में है ज़माने की कसम खा के अल्ला रब्ज़त ने फ़रमाया कि ज़माना मुतफ़ा वसलम की कसम या ज़माने की कसम गर्दश लैलो नहारसम या हर रोज़ डूबने वाले सूरज की कसम या नमाज़ असर की कसम ये चारों कस्में मुफसरी ने बयान किए हैं फ़रमाया हर इंसान घाटे और खसारे में हैं सिवाए उनके जो ईमान लाए और नेक अमाल करते रहे तो ईमान और अमाल साल ये वो जेवर है जो इंसान को सालहियत के रास्ते में यानी सलाहियत अदा कर देता है तो लिहाजा इसके बाद जितने भी तबकते हैं वह सारे के सारे गुमराह होंगे उनके लिए बयान कर दिया है कि उनका रास्ता नहीं जो जिन पर तेरा गज़ब हुआ और ना ही उनका जो गुमराह हो गए तो लिहाजा दो सबब बयान किए हैं शब्बी अहमद स्स्मानी रहमत अपनी तफसीर उस्मानी में कि गुमराही के यानी हक़ से हटने के दो उसबाब हैं एक है कि बंदे को इल्मी ना हो अदम इल्म और दूसरा है वो अल्लाह के जान जान बूझ कर अल्लाह के गज़ब का शिकार हो जाए यानी जान बूझ कर नाफरमानी करे जानते बूझते सब मालूम हो उसे पहले के लिए कहा गया इल्म की बिना पर ये नसारा थे जो हमसे पहले गुजर गए और दूसरा तबका जो है यहूद का है जिन्होंने हर चीज़ जानने के बावजूद अपनी नफसानी ख्वाहिशात को पेश नज़र रखा तो लिहाजा अफरात और तफरीत ये दो दोबाब हुए जो इंसान को अतदाल से और सीधे रास्ते से हटा देते हैं इसीलिए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए अल्लाह इज़्ज़त ने जो जाबा बयान किया क़ाल कजाल नाकुम उम्मन वसता ल तकन शदा व यक़ून रसूल आलकुम शहीदा सदा कल्ज़ीम इसी तरह हमने तुम्हें अतदाल वाली बेहतर बेहतर बनाया तो जो इनाम याफ़्तगान हैं उनका नक्श कदम अतदाल है वो अफरात और तफरीत एक्सट्रीमिज़म से जो पाक होकर चलते हैं तो लिहाजा ये तरीक़ा बयान कर दिया तो अफरात और तफरी कहाँ होती है पहला अकीदे में जिन्होंने अकीदे में अफरात और तफरीत की बाज़ों ने अपने नबी को खुदा बना दिया खुदा का बेटा बना दिया और बाज़ों ने अपने नबी को आम और आम इंसान की तरह समझना शुरू कर दिया तो लिहाजा सही अकीदा ये था कि अतदाल पर कि नबी खुदा भी नहीं और खुदा जैसा भी नहीं लेकिन खुदा से आह में जुदा भी नहीं तो लिहाजा ये अकीदा जो है वो रखना चाहिए था इस हवाले से फिर ईमान का जो मरकज़ व महवर है वो रसोल स हस्ती है हज़ूर की त मुबारक है पूरा ईमान आपके गिरद जो है घूमता है आप तो का दरवाज़ा हैं रसूल सल्ला वल् बाबु तोहद हज़ूर सलाम तोहीद का मरकज़ है जिसने तोहद लेनी हो वो दर रसालत पर आए जो दर रसालत को छोड़ के कहीं और तोद तलाश करेगा वो टकरे मार मार के थक जाएगा उसे तोहद नहीं मिलेगी उसे खुदा का दर नहीं मिलेगा इसीलिए किसी साहिब दिल ने कहा ब खुदा खुदा का यही है दर नहीं और कोई मफर मकर जो वहाँ पर हो यहीं आके हो जो यहाँ नहीं तो वहाँ नहीं अब आइए रसूल सल्लाम ने हिदायत के दो चश्मे जारी किए मैं बयान कर रहा हूँ परसोनीफाइड यानी जो इंसानी सूरत में जो शख़्सियात की सूरत में चश्मे थे हिदायत के लिए वो दो थे पहला चश्मा जिसको हम अहल बैत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं और दूसरा चश्मा अब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि सल्ला वसल्लम अहल बैत घर वालों को कहा जाता है जिसके अंदर अजवाज बीवियाँ शामिल हैं उम्मा हाथ अमौमिन शामिल हैंज़ुर की बनाते तयबात शामिल हैं और हज़ूराम के आबा जो ईमान लाए वो सारे इसमें शामिल हो जाते हैं और फिर दूसरा चश्मा रसूल पाक पाकलम ने अपने दोस्तों का सहाब का सहाबा का हज़ू के अनसार का जो दिन मुतफ़ी सल अलसम के सपोर्टर बने हज़ूसम के सहाबी बने और के मिशन को लेकर दुनिया के कोने कोने में और ख़े ख़े में जो पहुँच गए उन्होंने अपना घर छोड़ा अपना अपना औलाद माल जो जो भी चीज़ें थी सब कुछ कुर्बान किया सिर्फ़ दीन मुतफ़ी सल्ला वसलम के लिए अब आइए रसूल पाक सल्ह्स ने दोनों के लिए जो है जो इशारात और इर्शादात हमें अता किए वो हमारी कामयाबी के लिए जो है वो नहायत ही अहम हैं जो हमें समझना चाहिए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसम ने फरमाया अपने अहल बैत की नस्बत कि मेरी अहल बैत जो है सफ़ीना नूह की तरह है नूआसम की कश्ती जो उनकी कौम के लिए जो है निजात की ज़मानत थी वो है जो शख्स भी इन में सवार हो जाएगा वो कामयाब हो जाएगा और जो इससे रह जाएगा वो गरक हो जाएगा यानी जिसके दिल में अहले बैत की मोहब्बत नहीं अहले बैत की तज़ीम नहीं अहले बैत की उल्फत नहीं तो वो शख़्स जान ले कि वो सफ़ीना नूह की मानंद जो है वो अपना उससे रह गया है वो गर्क की तरफ़ जा रहा है बेशक नमाज़ रोज़े हज दें कितनी ही जमा कर ले असल चीज़ जो ईमान है वो रसूल पाकली वसम की अहल बैत हैं जो आपको कामयाबी की तरफ़ ले जाते हैं दूसरा चश्मा रसूल पाक सल्ह वसम ने अपने असाब का जारी किया और फ़रमाया अबी का नजूम। बे हम इकतदई तुम अहतई तुम मेरे तमाम साहबा सितारों की मानंद हैं लिहाजा जिसकी तुम इक्तदा करोगे हिदायत पा जाओगे तो लिहाजा ये दोनों जो हैं एक दूसरे से कभी भी इन्हें जुदा नहीं करना चाहिए यानी ना झुकाओ एक की तरफ ज़्यादा किए जाए अहतदाल पर रहेंगे तो कामयाबी और कामरानी होगी ये है असूल जो मैंने आपकी ख़िदमत में रखा एक और चीज़ जो कुरान मजीद ने इनका जो है वह करेक्टरस्टिक बयान कर दिया उम्म मुसरमा का जो किरदार है वो बयान कर दिया वो हमारे सामने है तो लिहाजा वो क्या है सूरा फतह की आखिरी आयत में आयत नंबर उनतीस में अल्ला हरब्ल ने जो जमात रसूल पाक सर वसम ने तैयार की थी ख़बो हों या अहिल बैत हों उनके लिए अल्लाह हब्ल ने उनका करेक्टरस्टिक बयान किया फैसला सारा कुरान मजीद फुरान हमीद कर रहा है फरमा मोहम्मद وَالَّذِينَ مَعَهُ هُوَ الشِّدَّاءُ وَلَا الْكُفَّارُ رُوحَ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّانٌ سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِدْوَانًا إلى آخر الآية کہ محمد صلى الله عليه وسلم अल्लाह के रसूल हैं यानी सहाबी हों या अहल बैत के फ़र्द हों की पहचान उनकी नस्बत महम्मदल्ला के साथ है हमें उनकी तज़ीम अदब एहतरामज़ूराम की नस्बत के वास्ते से जो करना है मुस्त, मुस्तफ़ी नस्बत के हामिल जो शख्स हैं उनका जो है इंट्रोडक्शन करवा दिया वलीना माहू के साथ फिर फ़रमाया कि उनकी कैफ़ियत क्या है शिद्दत अलकुफ़ार के उनके अंदर जो है कुफ़ार के मुकाबले में शदत होनी चाहिए कुफ़ार के लिए वो बड़े सख्त नज़ा हैं और जैन रखते हैं जब कुफार की बात होती है तो दुश्मन दीन हैं जो इस्लाम को अमन को और इस्लाम के पैगाम को जो है मिटाने के लिए सरबस्ता है उनके लिए जो है वो शिद्दत होनी चाहिए या जो शैतानी एजेंडा है या जो नफसानी एजेंडा है या जो मेटीरियल्ट एजेंडा है जो रूहानियत को मिटाना चाहता है उसके खिलाफ शिद्दत अगर नहीं है तो जान लें कि ईमान नहीं है फिर फरमा रूह माउबैन हूं कि ये आपस में बड़े मेहरबान हैं एक दूसरे पर बड़े शफीक हैं एक दूसरे को देख देख कर मुस्कुराते हैं एक दूसरे को देख कर समाइल देते हैं तबसम करते हैं एक दूसरे के लिए और एक दूसरे के लिए बड़े रहीम और शफीक नजर आते हैं और तीसरी कैफियत बयान की कि ये और सुजूद में पाए जाते हैं तरा हम रुकान रुको और और सुजूद से और ये पूरे प्रोसेस से इनका जो मकसूद है फद्ला मिन अल्लाह व रिदवाना अल्लाह का फजल और उसकी रिजवान के तालिब होते हैं शो ऑफ इनकी जिंदगी में नहीं होता ये हमेशा हम वक्त तरबियत और फैज रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इतने जो है वो खालिस हो गए हैं कि ये जो है हमेशा अपने नए कमल को ज़ाया नहीं करते शवाफ़ करके ये खालिस रहते हैं ये मुखलिस रहते हैं बल्कि मुखलिस की मुखलसीत के रास्ते पर चलते हुए ये मुखलस हो गए हैं रसूल पाक वसलम की सोबत ने इन्हें रंग दिया है तो ये करेक्टरिस्टिक अवला सहाबक राम की है और फिर बाद हर दौर में जो लोग इस नक्श कदम पर वसतिया पर जो चलते रहेंगे वो कामयाब कामरान होंगे इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का एक शेर मुझे याद आ रहा है इस मौके पर वो बयान करते हैं हो हल्का यारा तो बरेशम की तरह नर्म रजम हक को बातिल हो तो फौलाद है मोमिन अब ये मैंने एक मुकदमा आपके सामने रख दिया फ़ाउंडेशन रख दी अब इस पर जो है वह प्रैक्टिकल बुनियादें मैं आपकी खिदमत में जो है वह अर्ज कर रहा हूँ हज़रत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताल मेरे सामने कई किताबें इस वक्त मौजूद हैं ये किताब मेरे सामने हैं शेख उमदक्तूर महमद ताहिर अलका मुदज़िल किताब का नाम है नबी अगर कोई रिट्रिक ना होती तो मैं जरूर आपको किताब भी दिखाता यह किताब अहादीस का मजमू है इस किताब के अंदर जो है बाब है हिरसबा वमा अलाक्रामबैत साहबा कराम और काल बैत अतार की हद दर्जा तज़ीम महबत का बयान और इसमें जो पहला स्टेटमेंट है वो हज़रत अबू बकरील्ल्ला तैालन अहल बैत रसूल सल वसम से शदीद मोहब्बत करते और इनकी खिदमत में कसरत से तज़ीम बजा लाते वो इनसे मोहब्बत करते और हम वक्त उनसे जुड़े रहते जैसा कि सैन में उमिन सैद आयशा रदी अल्लाह तयान करती हैं कि हज़रत अबू बकर कहा करते थे उस की कसम जिसके कब्ज़े में मेरी जान है रसूल सलम्म के कराबत मुझे अपने कराबदारों से सिला रहमी करने से ज़्यादा जो है वह महबूबू हैं और इसी तरह हज़रत उमर रदी तन हो फरमाया करते थे तुम महमद मुस्तफ़ा के अलबैद के बारे में आप सल्लम का ख्याल रखा करो यानी उनके बारे में तुम आपके हकूक़ की हिफाजत करो और इन, इन अहलबैद को अजियत ना पहुँचाओ और न इन इनसे बुरा सलूक करो कहा गया इसका मानना यह भी है कि तुम इनके असाम और खून में आकाम की मौजूदगी का तस्वुर करो क्योंकि जुज् कुल से ही होता है और उमर रदी अल्लाह तुआ अपने ज़माना खिलाफत के अंदर आपने सुन रखा है बहुत सारी चीज़ें मैं इबन इमाम इबन असाकर के वाले से बयान कर रहा हूँ तारीख़ दमश में इबन शहाब से उन्होंने रिवायत किया कि हज़रत अबू बकर और हज़रतमर रदी अल्लाह तुमा का यह मामूल था अपने दौरे खिलाफत में दौरेकूमत में जब इन दोनों में से कोई भी हज़रत अब्बास जो रसूल पाक वसलम के चचा थे अब अंदाज़ा कर लीजिए कि यह किस तरह से रोहमाबीना हम की तफसीर बने नजर आते हैं तो जब रास्ते में हज़रत अब्बास मिलते और ये दोनों या इन दोनों में से कोई एक सवारी पर होता तो फ़ौर सवारी रोकते सवारी से उतर आते हज़रत अब्बास रदी अल्लाह की तज़ीम करते और इस सवारी के आगे उसकी लगाम पकड़ कर हज़रत अब्बास के साथ साथ चलते रहते यहाँ तक कि उन्हें उनके घर या नशस्त तक जो है छोड़ते और फिर उनसे जुदा होते जैसे आज के दौर में हमारे यहाँ बुज़ुर्गों का एहतराम किया जाता है उनका हाथ पकड़ लेते हैं अगर हम किसी काम से जा रहे हों तो ये सहाबा कराम रसूल पाक सर वसलम की अहल बैस से किया करते थे हज़रत अब्बास रसूल पाक सर वसलम के चचा हैं और हजूल इन्हें बाप का टाइटल भी अता किया करते थे तो ये उनका तज़ीम करना ये उनका तरीक़ाकार था जो मैंने आपको एक गिलम्स के तौर पर बयान किया और अब्दुल्ल बिन मुबारक कहते हैं जो के अबू हिंद के बेटे हैं और वो उसे शादी से रिवायत करते हैं उन्होंने कहा कि हज़रत जैद बिनत ये वो मारूफ साबी हैं जिन्होंने कुरान मजीद कंपाइल किया अब आप देखिए कि आपस में किस तरह से कराबत थी किस तरह से मोहब्बत का ताल्लुक था हज़रत जैद बिन सबित बड़ी उम्र के थे रसूल पाक वसलम के कातबे वही में इनका शुमार होता है और हज़रत जैद बिन सबितुरान कम्पाइलेशन बोर्ड के चेयरमैन बनाए गए थे और ख़ुद कहते हैं कि अगर मुझे पहाड़ को एक जगह से दूसरी जगह हटाने का हुक्म दिया जाता तो वो मेरे लिए आसान था कुरान का जमा करना ये बहुत बड़ी बात मेरे लिए जो है वो थी लेकिन अल्लाह के करम और रसूल पाक वसलम की अता से मैंने उसे शुरू किया वो अपने घोड़े पर सवार हुए तो हज़रत अब्दुल्ल इबन अब्बास जो रसूल पाक वसलम के कज़न था हैं ये यंग थे तो उन्होंने उनकी रिकाब थाम ली उन्होंने कहा ए हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा के बेटे ऐसा ना कीजिए हज़रत अब्दुल्ल अबिन अब्बास ने कहा हमें अपने उलमा के साथ ऐसे ही हुसन अदब का हुक्म दिया गया है इस पर हज़रत जैद बिन साबित ने उनके हाथ को चूम लिया और कहा हमें भी हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत के साथ इस तरह से अदब व मोहब्बत का ताल। मामला करने का हुक्म दिया गया है ये तरीका था और यानी इससे आप अंदाज़ा कर लीजिए कि ये चीज़ें जो है वो ट्रेवल करती हैं फिर फिर मैं आपको और बताता चलूँ कि हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मसूद जो मरूफ़ साहबी हैं वो कहते हैं कि अलैहि वसल्लम से एक दिन मोहब्बत करना साल भर की इबादत से बेहतर है और जो इस पर फ़ौत हुआ वो जन्नत में दाखिल होगा फिर मैं आपको एक और बड़ी अजीम हस्ती का जिक्र करता हूँ यहाँ पर हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज आप जानते हैं कि जिनको पाँचवा खलीफा राशिद कहा जाता है बनो उमैया के जो है वो अपना नौजवान परवरदा थे और हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज जिनका अदल बहुत मशहूर है जिन्हें उम्र सानी भी कहा जाता है उनके पास अहल बैत में से जब कोई फ़र्द आता कोई नौजवान बच्चा आता नौमर लड़का ही क्यों ना आता वो अपनी जगह से खड़े हो जाते और उठ कर उनका इस्ते करते और उसकी तमाम ज़रूरियात को पूरा करते और उनमें से बात से कहते जब भी आपको कोई ज़रूरत हो तो आप ना आया करें मुझे लिख कर भेज दिया करें कोई पैगाम पर भेज दिया करें मैं सारे वो काम कर दूँगा कि मुझे अल्लाह ताला से हया आती है कि वो आपको मेरे दरवाज़े पर देखे और वो कहते रूए ज़मीन पर उस वक्त तक उस वक्त कोई घर भी मेरे नज़दीक आपसे ज़्यादा महबूब नहीं है और तुम मुझे अपने घर वालों से ज़्यादा महबूब हो हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने उनसे दरख्वास्त करते थे कि वो मैदान महशर में मेरी जो है वो शफ़ात करें ये उनसे वादा लिया करते थे और ख़ुद हज़रत फ़ातमा बिन तली बिन अभी तालब फ़रमाती हैं कि मैं हज़रतमर बिन अब्दुलज़ीज़ के पास किसी काम से गई जबकि वो मदीना के अमीर थे उन्होंने अपने पास हर मौजूद शख़्स को बाहर भेज दिया और कहा कि अः अली की बेटी अल्लाह की कसम रूह ज़मीन का कोई घराना भी मुझे आपके घराने से ज़्यादा महबूब नहीं है और सुनिए हज़रतब्दुल्ला बिन हसन बिन हुसैन बिन अली रदी अल्लाह त वो बयान करते हैं कि मैं हज़रतमर बिन अब्दुलज़ीज़ के पास अपने किसी काम से गया तो उन्होंने मुझसे कहा जब भी आपको कोई हाजत हो तो मेरे पास कासिद भेज दिया करें या लिख कर भेज दें मुझे अल्लाह ताला से हया आती है कि वो आपको मेरे दरवाज़े पर देखे और यही हाल आइम्मा का था हज़रत इमाम ताला अलैह के बारे में मशहूर है कि वो दर्स दे रहे थे यह भी वाक्य हज़ूर सैदी शाख इस्लाम ने अपनी किताब तस्करे और सोबत में कोट किया इमाम शाफही के अहाल में कि इमाम शाफी अहल बैत की बड़ी तज़ीम करते थे दरस दे रहे हैं दौरान दर सैदों के बच्चे खेल रहे हैं तो वो बच्चे खेलते हुए जब आपके करीब आते तो आप फ़ौर खड़े हो जाते और रावी बयान करते हैं कि दस मरतबा यही सूरत हुई इमाम शाफही उन बच्चों के इस्तबाल के लिए उनके अदब के लिए जो है खड़े हो जाते थे तो ये आइम्मा का तरीक़ रहा अब वक्फ़े पर जा रहे हैं वक्फ़े से आएंगे तो इन श्ल कुछ और बातें आपकी खिदमत में अर्ज़ करेंगे लेकिन वक्फ़े पर जाने से पहले एक वाक़ा मैं आपकी खिदमत में और अर्ज कर देता हूँ जो कि कशफुल्गम फ़ीमार फ़ातलाइम्मा यह तशयो की बड़ी मरूफ किताब है औरवा बिन अब्दुल्ला रिवायत करते हैं कि मैंने इमाम मोहम्मद से पूछा जो आई एहलैत में थे तलवारों के दस्ते पर चांदी चढ़ाना जायज़ है या नहीं जवाब में आपने फ़रमाया इसमें कोई हरज नहीं है क्योंकि हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने भी अपनी तलवार के दस्ते पर चांदी चढ़ाई थी और बिन अब्दुल्ला कहने लगा आप भी उन्हें सिद्दीक कहते हैं तो इस पर वो खड़े हो गए और किबला की तरफ़ रुख कर लिया और फरमाया नाम अद्दीक़ नाम अद्दीक़ नाम अद्दीक़ हाँ मैं उन्हें सिद्दीक कहता हूँ हाँ मैं उन्हें सिद्दीक कहता हूँ जो उन्हें सिद्दीक ना कहे उसकी बात को अल्लाह दुनिया में भी झूठा कर दे और आखिरत में भी वहमत ललकम बम नाजरिनसाम हिजरी साल आप सबको मुबारक हो और हिजरी साल का पहला अशरा मुहर्रम जारी वारी है मैंने पहले हिस्से में गुजारिश की थी कि जो लोग हिम्मत रखते हैं वो नौ और दस मुहर्रम का ज़रूर रोज़ा रखें और ये सुन्नत रसूल सल्लम है हुक्म रसूल है और इसकी बड़ी बरक़ात हैं और फिर इसमें रसूल पाक पाकलम की सुन्नत का इजहार भी है और अल्लाह ताला की रबत को पाने का ज़रिया भी है और सहाबक राम और अहल बैत की तज़ीम और अजमत रसूल पाक सल्लम के वास्ते से ये हमारा ईमान है और जो शख्स भी अफरात व तफरीत का मरतकब हो किसी एक की तरफ जो है वो एक की मोहब्बत में दूसरे को बुरा कहे वो पहले की महब्बत में भी झूठा है ऐसी बात नहीं हज़ूसम ने हमें एतदाल का रास्ता दिया है और इस हिस्से में हम आपके लाइव कॉल और सवाल लेते हैं आप अपनी लाइव कॉल भी ला सकते हैं और सवाल भी ला सकते हैं और मैं वक्फ़े पे जाने से पहले आपको इमाम मोहम्मद बासलम और रदी अल्लाह तन हो का अमल बयान कर रहा था इमाम मोहम्मद बाकर कौन है ये इमाम अली ज़ैन अबद्न के बेटे हैं और इमाम अली ज़ैन अबदीन इमाम हुसैन के बेटे हैं इमाम हुसैन सदना अली करमल करीम के साहबजादे हैं तो लिहाजा ये चैन हैं ये चौथे इमाम बन जाते हैं मैंने बयान किया कि इनसे किसी ने आकर मसला पूछा औरवा बिन अब्दुल्ला अपना ही वाक़ बयान करते हैं कि मैंने ये पूछा था तो उन्होंने कहा कि हाँ तलवार के दस्ते पर जो है चांदी लगाना इसमें शर्म कोई कबात नहीं है साथ उन्होंने बग़ैर किसी हिलो हजत के ये नाम भी लिया कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने यह काम किया है तो ये जब सुनना था तो उस वक्त गालबन ऐसी फ़ा पाई जाती थी जिसमें लोग जो है वो साहबा और एहलैत में गालबन जुदाई डालने की कोशिश करते थे तो उन्होंने मसला ही हल कर दिया और मैंने हवाला भी आपको दे दिया उन्होंने कहा

और माशाल्लाह आपने बहुत रूहानी और महफिले से जायी है, है कराम और बैत, रिद्वान, रिद्वान ताला के में हमारी करे कर तमाम जाय हजार पूरी हो काफी दिन की गैर हाजिर रही आप सबको इस्लाम के लिए को, को, साल बहुत मुबारक हो याद रखियेगा और मेरा सवाल ये हैामा साहब की जैसे अभी आपने नौ और दस महरम के महरम, महरम हराम के रोजे का मतलब जिक्र किया तो कुछ लोग ये रोजे मन्नत के तौर पे मान लेते हैं कि हम ये मन्नत मानते हैं कि ये रोजा अगर हमारी फलाह हाजत पूरी हुई तो अगले साल हम ये रोजा रखेंगे तो इस तरह मन्नत के तौर पे ये रोजा रखने की क्या शहरी हैसियत है और दूसरा इसी महीने के जैसे हरबत वाले महीने के, के के बारे में भी लोग कहते हैं कि इसमें जुमेरात, जुम्मा और हफ्ता के दिन रोजा रखने की बहुत ज्यादा फजीलत है तो इस पे भी जरा रोशनी डालिएगा बहुत शुक्रिया आपके तशरीफ लाने का और ढेर सारी दुआएँ मामूल आपने पेश फरमाई अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सारी दुआएं कबूल फ़रमाए कि उसकी जात वो है कि जब कोई खलूस दिल से दुआ देता है और दूसरों को देता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है पहले इस बंदे को दो जिसने दूसरों के लिए दुआ की है क्योंकि अल्लाह की बारगाह में ईसार और इखलास ये दो ऐसी नेमतें हैं जो बड़ी कबूल की जाती हैं जिसके दामन में ये नेमतें हैं उसके पास नमतें आजजी मौजूद है यार वही करता है जिसके पास आजजी है और अखलास भी वही करता है जिसके पास अल्लाह की तोफ़ी शामिल है और अखलास तो अल्लाह रब्ज़त के राज़ों में से एक राज है और अल्लाह रब्ज़त ने फ़रमाया कि जिसके दिल में चाहता हूँ मैं अखलास रख देता हूँ तो जब वो मेरे लिए ख़ालस हो जाता है तो फिर मैं अपनी तजली उस पर जो है फरमाता हूँ उसे अपनी तोज्जो अदा करता हूँ मौजू चूँकि आज है साहबा कराम और अहिल बैत इज़ाम का बाहमी ताल्लुक और कुरान और सुन्ना की रोशनी में हम उसे और आयम कराम के अकवाल की रोशनी में हम उसे डिसकस कर रहे हैं कि किस तरह से ताल्लुक था बदक़स्मती है उम्म की कि उम्मत को जो है वो तफर्र की तरफ जो है धकेलने की कोशिश की जाती है कुछ अपना दुश्मनों की साजिशें और कुछ अपनों की नादानियाँ ये दोनों मिलकर उम्मत को जो है वो अपना कश्त ख़ून के बाज़ार में गरम कर देती हैं लेकिन अलहमदिल्ला अब ऐसी फजा बन रही है और बन चुकी है कि जिसमें फिर जो है उसको नाबूद करने की हम जो है वो भरपूर कोशिश करेंगे और जो भी अहल बैत की बात करें मोहब्बत के साथ जो भी तज़ीम साहबा की बात करे मोहब्बत के साथ वो हमारे सर का ताज है और हम यही पैगाम देते हैं कि अफरात और तफरी से निकलिए अतदाल की राह पर आइए कुरान और सुन्ना ने हमें एतदाल की राह सखाई है अहिल बैत ने हमें मोहब्बत और अमन का पैगाम दिया है तो इसी पैगाम को ले कर बढ़ते हुए एक दो मिसाले में और आपकी खिदमत में गुजारश करता हूँ और मज़ीद कॉलर आएँगे तो फिर सवाल जवाब का सिलसिला इन एंड पर हम जो है आपकी खिदमत में रखेंगे बड़ी मरूफ हदीस है हज़रत रसूल पाक स फ़रमाया कि नजरो अलावजह अलीबादत अली करमल्लाजुल करीम के चेहरे को तकना इबादत है इसीलिए सैदना अली का नाम जब आता है तो उनके साथ वजहुल करीम कहा जाता है कि अल्लाह इज़्ज़त ने इनके चेहरे को जो है वो बुज़ुर्गी की है बकिया साहबा के लिए हम रदी अल्लाह तु का कलमा बोलते हैं और अहले बैत के लिए अलैहिस्सलाम का कलमा भी बोलते हैं बाज़ लोगों में ये कन्फ्यूजन रहती है असलाम तो नबियों के लिए है ऐसी बात नहीं है शर्न इसमें कोई कबाहत नहीं है अदब का तक यही है के अम्बिया को कहा जाए लेकिन जो मारूफ़ हों और अगर कोई तबका अलैहिस्सलाम कहता है तो इससे वो कभी ये नहीं समझता कि वो नबी हो गए हैं तो अलैहिस्सलाम जैसे हमें एक दूसरे को अल्लामकुम कहते हैं या अगर कोई ग़ायब हो और अगर आप ग्रामर समझते हो अरबी की तो अरबी की ग्रामर में आप किसी को सलाम भेजें उर्दू में तो कहते हैं ना आप मेरा उसे सलाम कहना तो इसी को अगर आप अरबी में कहेंगे तो क्या कहेंगे अलैहिस्सलाम मस किसी ने आपको पैगाम पहुंचाया और कहा कि फ़लाँ ने सलाम दिया है तो हमारे बुज़ुर्गों का तरीक़ यही हम कहते हैं अलैही का सलाम आप पर भी सलाम हो और उस पर भी सलाम हो क्योंकि आप सलाम लाने वाले हैं वो सलाम भेजने वाले हैं तो सलाम उन पर सलामती हो जब हम जो मौजूद हैं उनके लिए कहते हैं तो जो गायबीन हैं उनके लिए कहने में शर्ण कोई कबाहत नहीं है तो लिहाजा हज़रतली का रमलकरीम के चेहरे को तकना जो है रसूल पाक स फ़रमाया कि ये इबादत है और हज़रत अबू बकर सिद्दीक कसरत से अली कर्रम्लाजाउल करीम के चेहरे को तका करते थे उम्मीन सैद आयशा रदी अल्लाह ताल अभी ये बातें आप देखिए कि उनका तल्लु क्या था अगर कहीं दूरी हो कहीं जो है वो अदावत ये अदावतें हमारे दिलों की हैं हमारे जो दिल हैं वो तंग हो गए हैं उनमें बुग्स भर गया उनमें कीना भर गया उसको निकालने की ज़रूरत है जब तक वह नहीं निकलेगा दिल में सफाई नहीं आएगी और जिस दिल के अंदर भुस्त है वह जान ले कि वह दिल अल्लाह का चुनीदा है ख़ुद कुरान मजीद ने कहा अफाम शरा सदरूल इस्लाम फ़हआला नूर रब्बी के रब्बुल रबुल्जत इस्लाम के लिए जिसका सीना चाहता है खोल देता है खोलने से क्या मुराद है उसके दिल में वसत आ जाती है कुशादगी आ जाती है तो वो कुशादगी क्या है हर एक के लिए तज़ीम और एहतराम है जिनका ताल्लुक आपस में मोहब्बत का है हुज़ूर सलाम की नस्बत से हर एक का एहतराम किया जाएगा इधर साहबा हैं उधर अहले बैत हैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था मैं तुम्हारे दरमियान दो चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ इन तमस्क तुम लन लंतिल्लु अबदा अगर तुम इन्हें थामे रखोगे कभी गुमराह नहीं होगे फ़रमाया कि किताबुल्लाह व इतरती अल्लाह की किताब और मेरी अलबै मेरी इतरत और दूसरी जगह रसूल पाक सर वरमा अलकुम् बसन्नति व अल सुनत सनतफ़ा अल अलमहदीन तुम पर मेरी सुन्नत लाजिम है और मेरे हिदायत याफ्ता नाइबीन की सुन्नत लाजिम है वदायत याफ़्त नायबीन कौन है हज़रत अबूबकर हज़रतमर हज़रत स्स्मान हज़रत हज़रतली करमल वज़ल करीम और हज़रत इमाम हसन और फिर उसके बाद जितने लोग जो है वो आए यहाँ तक खिलाफत रास्ता मुकम्मल हुई उसके बाद जो इनके नक्श कदम पर रहे वो कामयाब कामरान रहे तो लिहाजा ये यानी तरीक़ है इस तरीक़ पर हमें चलना है तो उम्मिल्म सैद आयशा रदील तना बयान करती हैं बड़ी मरूफ़ हदीस है कंजुल में इसको जो है इमाम हिंदी ने बयान किया फरमाया कि रसूल पाक वसलम ने फरमाया जिक्र अलीबादत अली का नाम लेना यह भी इबादत है यानी अली का ज़िक्र करना किसी मजलिस में मोहब्बत और ईमान के साथ इसको जो है इबादत रसूल पाक वसलम ने कंसिडर किया और बड़ी मरूफ़ हदीस है जिसमें रसूल पाक सल्ल वसम नेम ग पर जो है वो हज़रतली करमल वजाकरीम का हाथ पकड़ के कहा था मनकुन तो मौला उ अली जुन मौला हो जिसका मैं मौला हूँ उसका यह अली मौला है अलाम वाल मन वाला हो आद मन आधा हो या सही हदीस उस जो सही इस्लाम ने इसको तीस तुरक से अपनी किताब में जो है जमा किया है और उसका नाम ही आपने रखा है सास्यफल जली

और सब फैमिली ठीक है आप दुआ में याद रखना मुझे भी इन बच्चों को भी और मजीद साहब को भी कोई गलती होगी तो माफ़ करना तो जो है ये सब के लिए भी दुआ करना लिए। लिए। फरमाए पर करम फरमाए आपकी फैमिली आरोप हमेशा जारी रखी हम इन तो अगर वो जो आपका वो फार्म होता है वो अगर फिल करे में बच्चों के लिए फिल करवाऊँ तो उनका उसका क्या हिसाब किताब जी वो बाद में आप मुझसे बात कर लें ये प्रोग्राम में लाइव है मैं फार्म समझ लूंगा कि कौन सा फार्म आप जा रही हैं। अल्लाह रबुुल्ज़त कबूल फरमाए आपकी आमद को और आपके घर में ख़ैर बरकत और सलामती हमेशा बरसती रहें आज का मौजू आपको मालूम है साहबा कराम और अहल बैत का बाहमी ताल्लुक। उस पर हम बात कर रहे हैं तो जब आकालसलात असल ने यह ख़बर दी तो हज़रत अबू बकर और उमर ये तारीखी हकीकत है वह दोनों चले गए हज़रतली करमल्लाजालकरीम के ख़ैमे में और फ़रमाया अबन अभी तालब तुम सुबह शाम खुश रहो और तुम्हें हर मोमिन मर्द और हर मोमिन औरत का दोस्त होना मुबारक हो ये मशिकातमसाभी में इमाम अहमद बिन हम्बल के हवाले से जो है रिवायत आई है फिर देखिए हज़रत उमर रदी अल्लाह तु के ज़माने में दो आदमी जो है लड़ते हुए आए देहाती उन्हें पता नहीं था टिकेट्स नहीं थे आदाब नहीं थे वो आए और उन्होंने कहा कि हमारा जो है डिस्प्यूट है आप फैसला करवाइए तो हज़रत उमर रदी अल्लाह तु यह फ़राया करते थे ललिय का उमर कि अगर अली ना होते तो उम्र जो है वो हलाक हो जाते तो हज़रत उमर ऱी अल्लाह तुने हज़रतली की तरफ जो है कहा क्योंकि ये चीफ जस्टिस थे हज़रत उमर के ज़माने में और उन्हें कहा कि ये तुम्हारे दरमियान जो है फैसला करेंगे अब वो मकाम अली से आगा नहीं थे आए तो उन्होंने ऐसा जुमला कह दिया और कहा कि ये हमारे दरमियान क्या फ़ैसला करेंगे तो हज़रतमर रदी अल्लाह तु ने उसका गिरबान पकड़ लिया जिस आदमी ने यह बात की थी और गिरबान पकड़ कर कहा ये तेरे और हर मोमिन के मौला हैं जिसके ये मौला नहीं वह मोमिन नहीं यानी इससे आप अंदाज़ा कीजिए कि फ़रमान रसूल वसल्लम का कितना पास था और एक दूसरे का कितना एहतराम उनके यहाँ था फिर हज़रत उमर रदी अल्लाह के ज़माने में जब ईरान फतह हुआ तो वहाँ से बहुत सारा सामान आया और सामान में जंगी कैदियों में जो ईरान का बादशाह था यजद उसकी बेटी भी आई बड़ी हसीन शहज़ादी थी तो लोग समझने लगे कि हजरत उमर इसे अपने बेटे से जो है भी आएंगे अब्दुल्ला बिन उमर से जो है इसकी शादी होगी तो हजरत उमर रदी अल्लाह ने सब की जब तसरा देखे तो उसके बाद फ़रमाया कि ये चूँकि शहज़ादी है इसके लिए जो है वो शहजादा चाहिए और आपने हज़रत इमाम हुसैन को जो है तरजीह दी और उनके निकाह में जो है उसे जो है वह दे दिया गया फिर हज़रत उमर रदी अल्लाह तु के ज़माने में एक दफ़ा हज़रत इमाम हसन मुशतबा जो अली करम नाली वजल करीम के बड़े बेटे हैं यहाँ एक और चीज़ मैं कहना चाहता हूँ जुमा में भी मैंने ये बात कही थी कि अपनी औलाद को हजूर की अलबैद की मोहब्बत सिखाओ आकार इस्लाम ने यही बात हमें इरशाद फ़रमाई कि अपनी औलाद को तीन चीज़ें सिखाओ उन्हें जो है अपने नबी की मोहब्बत सिखाओ उन्हें अपने कुरने मजीद की तालीम दो और अपने नबी की अहल बैत की मोहब्बत सिखाओ उन्हें सिखाओ कि इमाम हसन कौन है ये रसूल पाक पाकलम के नवासे हैं ये बड़े हैं इमाम हुसैन कौन हैं ये रसूल पाक वसलम के नवासे हैं ये छोटे हैं करबला में दस मुहर्रम को इनकी शहादत हुई बहत्तर जानसार इनके थे इमाम हसन मुशतबा जो दो मुसलमानों की जमातों के दरमियान जो है इतिहाद और अपना सुलो करवाने वाले थे रसूल पाक पाकलम ने उन्हें सरदार फरमाया और फरमाया इसे मैं अपनी वजाहत देता ता हूँ और हज़रत इमाम हुसैन के लिए फरमाया कि मैं इसे अपनी बहादरी जो है वो और शजात जो है वो इसे अता करता हूँ तो लिहाजा ये रसूल पाक की मोहब्बत के जो है वो नमूने हैं मोहब्बत tamam के जो वो इजहार हैं मोहब्बत के जब किसी से प्यार होता है तो उसकी औलाद से भी प्यार होता है जब किसी से प्यार होता है तो उसकी गली से भी प्यार होता है जब किसी से प्यार होता है तो उसके शहर से भी प्यार होता है आप देखिए जब रसूल पाक वसलम शहर मदीना में दाखिल हुए वो मदीना कहाँ था लेकिन जब आक इस्लाम दाखिल हुए तो आकार इस्लाम ने उस शहर का नाम मदीना नबी रखा ताकि जो भी शख्स दाखिल हो तो उसे मालूम हो कि मैं नबी के शहर में आया हूँ मस्जिद का नाम रखा तो मस्जिद नबवी रखा यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद तो ये अदब और मोहब्बत की ये बुज़ुर्गों की जिम्मेदारी होती है कि वो बच्चों में ऐसी टर्मिनोलॉजी दें कि जब वो सुने तो सेंटिमेंटली वो उस तरफ़ जो है मतवज हो जाएँ तो रसूल पाक वसल्लम ने अपनी अलिबैद की महब्बत सिखाने का जो हमें हुक्म दिया ये अयाम हैं ये हमें याद दिलाते हैं जहाँ और बहुत सारे नेक अमाल हो रहे हैं ये मौसम है हर देखिए ना हर चीज़ का मौसम आता है साल में चार मौसम आते हैं कभी मौसम बहार है कभी खजा है कभी गर्मी है कभी सर्दी है ये चार मौसम जो है वो चलते रहते हैं तो इसी तरह ईमान पर बहार के मौसम आते हैं मसलन नेकियां कमानी हो तो रमज़ान का मौसम अल्लाह रबुल्ज़त ने दिया है ईमान पर बहारें लानी हो तो फिर रबी अव्वल का महीना अल्लाह रब्ज़त ने दिया है कि नबी अलैहि वसल्लम की विलादत का महीना है बहार का महीना है तो लिहाजा हज़ू की महब्बत के गुनगाओ और हज़ूर की अहल बैस से प्यार करना है तो मौसम दिया है उसका कि वह मौसम मुहर्रम हराम का मौसम है फिर उसके अलावा दीगर एयाम हैं जो उनकी शहादत के हैं उनकी विलादत के हैं उनयाम में उनकी याद की तरफ़ मतवज होना है और अल्लाह का शुक्र बजा लाना है कि अल्लाह रबुजत ने हमें ऐसी ऐसी अज़मतें और नमतें अदा की हैं तो इमाम हसन मुशतबा हज़रत उमर रदी अल्लाह के दरवाजे पर तशरीफ़ ले गए कोई मुलाकात करना चाहते थे उन्होंने देखा उनका बेटा हज़रतमर रदी अल्लाह तुका इबन उमर खड़ा है उसे इजाज़त नहीं मिली जब वो वापस लौट गया तो आप भी वापस आ गए जब हज़रतर रदी अल्लाह तु को पता चला तो वो फ़ौर हज़रत इमाम हसन के पास गए और उनका अदब वाहतराम बजा लाए और फ़रमाया कि आपको इजाज़त की ज़रूरत नहीं है आपने जब भी आना हो कासद भेज दें बग़ैर इजाज़त के आप मेरे पास जोशरीफ़ लाएँ तो मैं यानी और फिर आपने जो तारीख़ी जुमला कहा कि तुम इससे ज़्यादा इजाज़त के हो और ये बाल सर पर अल्लाह ताला के बाद किसने उगाए हैं सिवाय तुम्हारे यानी तुम्हारी बदौलत ही राह रास्त पाई है और तुम्हारी बरकत से ही इस दर्जे और रुतबे को पहुँचाऊँ ये है तरीक़ सबा कराम और एहलैद के दरमियान अल्लाह रब्बुल रबुल्ज़त हमें ये हिम्मत अदा करे और इसका एक तरीक़ जो है बयान किया लेकिन मैं पहले आपके सवाल को भी ले लूँ फिर हज़ूर सैदी शाख उम ने पिछले दिनों यूथ कानफ्रेंस में एक तरीक़ा दिया था जिसमें असाश ईमान उनका टाइटल था उस पर आते हैं तो पहले हमारी बहन ने पूछा कि नौ और दस का रोज़ा जो है अगर कोई मन्नत के तौर पर रख ले तो इसमें शर्न कोई कबात नहीं है मन्नत उस रोज़े की नहीं मानी जा सकती जो फ़र्ज़ रख दिया गया ये रोज़ा फ़र्ज़ नहीं है ये रोज़ा जो है वो सुन्नत और नफल के दर्जे का है तो लिहाजा अगर किसी ने नौ और दस की रोज़े की मन्नत मान ली है तो उसमें यानी वो मन्नत के तौर पर उसे जो है पूरा करें काम अगर हो गया है और अगर काम नहीं हुआ तो वैसे सुन्नत के तौर पर उसे रख सकते हैं कॉलर हमारे साथ हैं अस्सलाम वालेकुम असल रहमतुल्लाह वालेकुमत बरकते हुए मौलाना साहब साहब आपका प्रोग्राम इतना अच्छा होता है माशाल्लाह और आप इतनी तेजी से बोलते हैं क्योंकि दिमाग में अगर तो ठीक है इतनी बहुत अच्छा बोलते हैं माशाला, माशाला। कर लिया कर हाँ, बिल्कुल सही बात है हमारी वाला बचपन में जो खुद से सुनते थे हर पहलू पे बोलते थे बचपन में जो बात होती है ना उम्र हमको पैदा होगी हामिद हामिद अल्लाह कबूल फरमाए ये बहुत अच्छा तरीका हमारी सिस्टर ने जो बयान कर दिया है ये माओ की जिम्मेदारी है ये वालदे की जिम्मेदारी है बड़ों की जिम्मेदारी है कि वो बच्चों को सेंटिमेंटली ऐसे माहौल में डाल दें ताकि उनमें रसूल पाक की मोहब्बत अब आप देखिए किसी भी खातून से पूछें वो कहेगी मेरी माँ ऐसे करती थी ये भी हमारी बहन यही बयान कर रही हैं कि इनकी माँ ने माएँ ये सिखाती थी और भूल गए आप उस खातून को उस सहबिया को जिसके चार बच्चे जो है वो शहीद हुए चार रिश्तेदार जो है शहीद हो गए जंग गज़वाहद के अंदर लेकिन उसने कहा यार रसोल अल्लाह अगर आप हयात हैं आप सल, सलामत हैं तो फिर सारे जो ग़म हैं वो गलत हो जाते हैं फिर मुझे किसी ग़म की परवाह नहीं है तो लिहाजा ये माओ की जिम्मेदारी है सब की जिम्मेदारी है सोसाइटी की जिम्मेदारी है मसाजिद की इस्लाम चैनल ने आपके लिए ओपन कर दिया कि सहाबा और एहलेत एक दूसरे से कैसे मोहब्बत करते थे अब यानी वह आदमी बड़ा बदनसीब होगा जो किसी साहबी को बुरा कहे और वह महरूम होगा जो किसीबैद के फ़र्द को जो है वो दुशनाम करे तो ये अपने आप को नसीब को खोने की बात है नसीब बनता है कि अगर आपको महमद और रसूल अल्लाम से प्यार है तो फिर हज़ू सलाम के प्यारों से भी प्यार कीजिएम के अहब से हज़ूराम की अहबैद से तो उसका एक तरीक़ मैं अर्ज़ कर दूँगा इन शर हमारी बहन ने दूसरा सवाल पूछा कि हुरमत वाला महीना जो है वो कुछ लोग जुम्हारा जुम्मा और हफ़्ता का इसमें जो रोज़ा रखते हैं तो इसमें शरण तो कोई बात नहीं लेकिन जो शरा के अंदर आया है वो ये आया है कि मंडे का और जुमरत का रोज़ा रसूल पाक वसलम रखा करते थे उसको अगर कोई करे तो अच्छी बात है फिर अयाम बीज के रोज़े अगर इन दिनों में आ जाएँ यानी चाँद की तेरह चौदह और पंद्रह तारीख के तो उसको रख लिया जाए वैसे भी अगर कोई अखलास के साथ इन दिनों में रखता है फ़र्ज समझ के नहीं लेकिन आ, आ, रहमत के लिए और करम के लिए तो उसमें शरण कोई बात नहीं सिर्फ मना उस वक्त आती है जब कोई अपने ऊपर कोई चीज़ जो है वाजिब कर ले उससे जो है बचना चाहिए अब आइए प्रोग्राम अपने अख्ताम की तरफ है दुआ भी इन हम करेंगे हमारी बहनों ने भी आपको बहुत सारी दुआएँ दी हैं तो अब मैं अख्ताम की तरफ जो तरीक़ाकार है कि ये जो तफरीक पैदा हो चुकी है जो ऐसे मौजुओं पर हम गुफ्तु कर रहे हैं हालाँकि सबक राम को ऐसे मौजूद के गफ्तु की ज़रूरत नहीं थी आलैद को ऐसे मौजू की गुफ्तू की ज़रूरत नहीं थी लेकिन चूँकि हालात में एक ऐसी जो मुखालफन होते हैं जो दुश्मन होते हैं वो कोशिश करते हैं कि इनकी यूनिटी को तोड़ा जाए और बड़ी अजीम बात लिखी है बाज़ बुज़ुर्गों ने कि मुसलमानों को अगर किसी ने ज़ेर करना है तो उसके दो ही तरीके हैं एक ये कि इन्हें अपने नबी की मोहब्बत से दूर कर दो और नबी की जात को इन दरमियान मतनाजाफ ही बना दो और दूसरा यह कि इनकी यूनिटी तोड़ दो इनका इतहा तोड़ दो और अब तो इतिहाद इस तरह से जो है वो दूर कर दिया गया है कि पहले तो हम इकट्ठे होकर नमाज़ में खड़े हो जाते थे अब तो वहाँ भी सोशल डिस्टेंसिंग आ गई है मैं दुआ करता हूँ अल्लाह इज़्ज़त इस सोशल डिस्टेंसिंग का खात्मा फरमाए और अपनी रहमत से हमें जो है करीब कर दे अब निकाब के बगैर किसी को नमाज पढ़ने की इजाज़त नहीं दी जाती मस्जिदों के अंदर तो उसका ख़्याल यानी करना चाहिए अल्लाह इज़्ज़त हमारे हाल की और काल की हिफाजत फरमाए तो लिहाजा इसका एक तरीक़ू सैयद शाख इस्लाम ने पिछले दिनों यूथ कॉन्फ्रेंस में जिसमें तमाम जो मसाल की यूथ के जो नौजवान थे उनको आपने मैसेज दिया अतदाल के साथ और उन्हें फ़रमाया कि इसका तरीक़ यह है कि इंट्रैक्शन जो है रखा जाए एक दूसरे से सुना जाए उनका नुकतः नज़र लिया जाए और उसको जब तक हम एक दूसरे को सुनेंगे नहीं एक दूसरे के पास नहीं बैठेंगे एक दूसरे के करीब नहीं होंगे जो हमें किसी ने पढ़ा दिया उस पर इतफ़ा ना करें वो आपको एक्स्ट्रीम की तरफ ले जा सकते हैं तो लिहाजा उससे निकालने के लिए दूसरों को भी सुने अतदाल जो है वो इस्लाम का दरस है जब हम एक दूसरे को सुनेंगे उसके करीब होंगे तो फिर जो है मोहब्बत बढ़ेगी कुर्बत बढ़ेगी कुर्बत की राहें यही हैं इसी के ज़रिए से मोहब्बत जो है बढ़ती है जब इंसान एक दूसरे के करीब होता है उसका व्यू पॉइंट जानने की कोशिश करता है तो उससे जो है मोहब्बत जो है बढ़ती है बल्कि मैं एक हवाला आपकी ख़िदमत में यहाँ अलैहि वसल्लम जो किताब है उससे जो है वो देना चाहता हूँ इमाम अहमद बिन हम्बल का मैंने इमाम शाफई की बात की और आपकी खिदमत में इमाम आज़म अबू हनीफ़ा जो अहलबैद की महब्बत में फना थे और इसी बिना पर उन्हें जो है वो जेल में रखा गया और जेल से ही उनका जनाजा उठा के वो वह अहलबैद से बहुत महब्बत करते थे उनकी मदद किया करते थे और इमाम मालिक जो हैं वो वो भी अल बैस से मोहब्बत करते थे जाफ़र बिन सुलेमान ने उन्हें उस वक्त मारा जब अब्बासी खलीफ़ा मंसूर ने उन्हें गिरफ़्तार कर लिया और इनसे से अवजबिल्ला कहने का बदला लेने के लिए जो इमाम मालिक से वो आगे बढ़ा अल्लाह तो इमाम मालिक ने फरमाया अल्लाह की कसम जो कोड़ा भी मेरे जिसम से लग कर बुलंद हुआ मैं उसे उसी वक्त उस उसी वक्त उसकी रसूल वसलम के साथ कराबत की बिना पर जो है उसे माफ़ कर देता था यह भी बयान किया गया कि जब इमाम मालिक को कोड़े लग चुके तो उन्होंने बेहोशी की हालत में उठा कर ले जाया गया फिर लोग उनकी खिदमत में हाज़िर हुए तो इफ़ाक़ा हो गया उन्होंने कहा मैं तुम्हें गवाह बनाता हूँ मैंने अपने मारने वाले को माफ़ कर दिया फिर उन्होंने दूसरे दिन फरमाया मुझे खौफ है कि मैं कल फ़ोत और जाऊँ और रज़ू नबी अक्रमल्लम से मुलाकात करूँ चुनाच मुझे आपसे हया आती है कि आपका कोई अल मेरे सबब जहन्नम में दाखिल हो यह उनका था और इमाम शाफ़ी ने बयान किया इनका ना रिफ हब्ब अल मोहम्मदिन फ़ल यशद सकलान अन्नी राफ़ दी कि अगर मोहम्मद वसल्लम की आल से महब्त करना राफ़ीयत है तो जिनों इन गवाह हो जाओ कि मैं राफज़ी हूँ तो लिहाजा ये इमाम मालिक इमाम शाफई का बड़ा मरूफ़ शेर है अब्दुलरहमान बिन साले उनके बारे में यह गुमान किया जाता था कि यह शीह हैं हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल जो है बयान करते हैं कि वो फरमाते अब्दुलरहमान बिन साले हज़ूर के अल बैद के अफ़राज़ से महबत करता है और वह सिक्क़ा है तो लिहाजा जो जो भी बैत से मोहब्बत करता है और रसाब रसूल की तज़ीम करता है उससे प्यार करना चाहिए उसकी मजलिस में जाना चाहिए उसका नुकता नज़र सुनना चाहिए इससेबत की राहें जो है वो पैदा होती हैं यही तरीक़ है और इस्लाम चैनल ने आपके लिए आज ओपन कर दिया है कि इस तरीक़ से हम एक दूसरे के करीब हो सकते हैं ना कि बैठ के किसी को जो है तब्रा या बुरे कलमत कहे जाएँ अल्लाह ती मेरी भी असला फरमाए और आपकी भी असला फ़रमाए अब दुआ के लिए हथ पुलंद कीजिए अल्लाह ताली की बारगाह में दुआ करते हैं मुहरम हरमत वाला महीना हैं इसके सदक अल बैत इजाम के सदक असाब रसूल के सदके उम्मत की मुश्किल को आसान फरमाए कश्मीर फ़लस्तीन के मसले को अल्लाह ताला हल फरमाए और हर तरफ बहार आए ला लाला रसूलुल्लाह